सुनते हैं तो आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। हरदोई के साडी थाना क्षेत्र के ककेड़ी गांव में हुए हत्याकांड के मामले में पकड़ा गया प्रधान का बेटा चार दिन तक पुलिस की गिरफ्त में रहने के बाद थाने से फरार हो गए। फरार आरोपी एक सिपाही का भाई बताया जा रहा है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। वही इस प्रकार की जानकारी होने पर एसपी ने थाने के मुंशी को सस्पेंड दिया है। वही दो होमगार्ड जवानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमांडेंट को पत्र भेजा गया है। हरदोई से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। थाना सांडी के अंतर्गत जो है मुकदमा अपराध संख्या 233/18 धारा 302 का वांछित बाबूलू गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है। उसके संबंध में थाना सांडी पर ही जो पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही उसको गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भी गठित की गई है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। सर, इसमें दोषी के खिलाफ भी कार्रवाई हो? इसमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको भी निलंबित करके और आवश्यक कार्रवाई की जाए। Yeah.